हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ जावेद और मेरे साथ मेरा दोस्त राहुल आज न्यू वीडियो लेके आए हैं हम लोग कि हम लोग जा रहे हैं आज हिल साइड, जो हिल एरिया यहाँ पे क्या जगह का नाम है, सिमजा ऐसे कुछ नाम से है, सिलेम ऐसे कुछ नाम से है। तो पूरा हिल एरिया है और टूरिस्ट अट्रैक्ट पैलेस है, तो वहाँ पर जाके हम लोग देखते हैं आज नया जगह हिल साइड का, यहाँ का यूरोप का हिल साइड, देखते क्या वहाँ पे है, कैसा होता है और क्या क्या होता है, मैं आपको वहाँ पे जाके फिर दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग ट्राम के लिए जा रहे हैं, ट्राम पकड़ेंगे, वहाँ से फिर बस पकड़ना है, वहाँ से फिर थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस भी है ना राहुल भाई। तो अभी कौन सी ट्राम पकड़ना है आपको? नंबर 14। तो इधर से आना, अभी ट्राम के 20 से थोड़ी जाएंगे हम लोग, तो रुक रहा था मैं। ट्राम 14 पकड़ना है तो शायद वो साइड से पकड़ना पड़ेगा, उस पार से। तो अभी हम लोग सेंट्रल पे हैं, तो देखते हैं सेंट्रल से अभी ट्राम पकड़ के हम लोग निकलेंगे, फिर वहाँ से भी हम लोग को बस भी पकड़ना पड़ेगा, बस के बाद फिर हम लोग को फिर वॉकिंग डिस्टेंस करना पड़ेगा। चलो टिकट ले लेते हैं, पर फिर ट्रम में बैठ के आपसे करते हैं। रोयल भाई कहाँ निकले आज? असलम के लिए निकले हैं और सामान भी काफ़ी ले लिया है, कोशिश करेंगे छोटा मोटा पिकनिक वहीं मना लें। पिकनिक करने के लिए जा रहे हैं आज? हाँ, और कोशिश करेंगे, देखते हैं, और बाकी देखो वहाँ पहुँच के पता चलेगा अभी कि वर्थ है कि नहीं है। अभी तक तो वर्थ है क्योंकि अभी थोड़ा सा हल्का हल्का से ठंडी हवा चलने लगी है। भाई साहब को मैंने अभी बोला था कि थोड़ा सा कवर करके चल लो, मगर भाई साहब थोड़े मतलब गर्म मिजाज के हैं, तो इस कारण थोड़ा लगता है भाई। धूप तो धूप भी है ना, अभी कौन सा जैकेट पहनोगे? फिर भी जैकेट तो साथ में ले लिया ना, ले लिया है। ये चीज़ है कि अच्छा, चलो आज हम लोग थोड़ा हिल साइड जा रहे हैं क्रोशिया का, तो देखते हैं वहाँ से किस टाइप का मतलब नज़ारा होगा और क्या होगा, ठीक है? वो भी आपको पहुँचने के बाद फिर हम लोग दिखाते हैं, और आप शायद देख सकते हो, थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ये और भी ऊपर है इसका, पूरा बर्फी इलाका है, यहाँ से एकदम ये बस पकड़ना पड़ेगा अपने को। अभी तो ट्रम से हम लोग उतरे हुए, बस के लिए वेट कर रहे हैं, बस अभी 15 मिनट बाद है, 10 मिनट बाद, देखते हैं बस का ड्राइवर कितना बजे ओपन करता है, क्या करता है ना। तो वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ से देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। भाई मैं तो रेडी हूँ जाने के लिए, एक्साइटेड हूँ, थोड़ा हिल साइड वहाँ पर जाके देखते हैं कैसा नज़ारा होता है वहाँ का। ट्रम भी जाती है, वो ट्रम पूरा नहीं जाएगी वहाँ पे, फिर ट्रम में जाने के लिए हम लोग को फिर थोड़ा मतलब 15-20 मिनट पहले ही उतरना पड़ेगा, तो फिर 15-20 मिनट वॉकिंग करना पड़ेगा हम लोग को हिल साइड में। तो हिल साइड में वॉकिंग करना बहुत टफ होता है मेरा भाई, तो इसलिए हम सोचे कि नहीं बस में ही जाएंगे।
अब मैं तो सिगरेट पीने के उतर गया एकदम, सिगरेट ही पियो। तो फिर अभी बस निकलेगी तो फिर और 15-20 मिनट शायद बस में और लगेगा, फिर देखते हैं वहाँ पे पहुँच के फिर वहाँ पे क्या नज़ारा वहाँ का। यार कितना दूर है यार, चलते चल। फाइनली तो पहुंच ही गए मगर यार बहुत नीचा बहुत है। चलो अच्छा की नीचे अच्छा की तो हम लोग खाने का भी थोड़ा सामान ले लिया। मैं तुझे बोला था तब तेरे को अभी 20 यूरो कम लग रहे हैं, तो पर जाके और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी इसकी। राहुल बहुत थक गया अभी है, पतला आदमी है ना थोड़ा थक जाता जल्दी। मैं थक जाता। पता नहीं क्या अच्छा काम चल रहा है इधर, देखते तो हैं ऊपर जाके क्या है इधर से। आई थिंक ऊपर चलते चलते राहुल भाई को यहाँ पे आने का शौक था कि पहले ऊपर से पूरा जागृत देखने का। लेट्स सी यहाँ तक अभी तक कोई भी यूट्यूबर नहीं आया तक शायद, मेरे हिसाब से अभी तक कोई यूट्यूबर नहीं आया यहाँ पे। और यहाँ का यहाँ का जगह दिखाया अभी तक, तो शायद हम लोग फर्स्ट है। देखो लकड़ी को काट के फ्लावर पॉट सब टेबल लकड़ी का ही है। ये यहाँ का नक्शा है मैप। नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। Thank you.
और अब इतना हिम्मत नहीं हो रहा कहीं जाने का है ना। आप देख सकते हो कितना नीचे तक है। और यहाँ से एक्चुअली राहुल भाई से पूछते हैं आज का ट्रिप उसको कैसा लगा ट्रिप आपका जो आज आप देखने के लिए आए जागरीब का सबसे हाईएस्ट माउंटेन। और सर्दी के मौसम में यहाँ पे बर्फ गिरता है यहाँ पे, अपना कैसा लगा राहुल भाई कुछ बोलेंगे? इंडिया में तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम क्या है सही है जो कि हिमालय पर्वत और एवरेस्ट पर जाता है जिस कारण से यहाँ उधर बर्फ हर जगह नहीं पड़ती, उधर के वातावरण और उधर का एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है यहाँ से। बट यहाँ पे बीच में पहाड़ है, इधर सिटी है और पहाड़ के इस तरफ भी सिटी है। ओके और हिमालय जैसा बड़ा तो नहीं है मगर ये कि अगर आप दिखाना चाहो तो इस साइड भी सिटी आप एक बार दिखा दो। ये देखें आप कि पूरा यहाँ से नीचे की तरफ पूरा सिटी दिखता है आपको, जागरेब सिटी। और अभी हम लोग जो है पूरा हाई माउंटेन के ऊपर आ रहा हूँ बोले। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी माउंटेन है, माउंटेन के उस तरफ भी सिटी है और इधर भी सिटी है। और ये एक्चुअली क्या है कि जैसे कहोगे कि एक गांव है मिडल ऑफ द सिटीज, तो ये उस तरीके से है। और यहाँ पे देखोगे कि ये जो साइकिलिंग का भी क्रेज़ बहुत है, एडवेंचर साइकिलिंग जो कि एक तरह से एडवेंचरस गेम कह लो या एडवेंचरस। यहाँ का जो एक्चुअली लोकल जो लोग है ना साइकिलिंग का बहुत ही क्रेजी है। तो यहाँ पे जो ये हिल है जो ये पहाड़ है इसके ऊपर साइकिल चलाने के लिए कोई रास्ता बना के रखा है और जो भी हाई रिस्क भी है। अभी जस्ट हम लोग के थोड़ी देर पहले जो चार पांच साइकिल वाला गया कितना खतरनाक स्ट्रेन लेके और कितना स्पीड भी लेके गया, बल उनका एक्सपीरियंस भी देखने हुए बनता है कि कितना अच्छा वो साइकिल चलाते हैं। ऊपर से यहाँ पे जो साइकिल है वो माउंटेन बाइक है जो कि मैं कहूँगा कि इंडिया में कम से कम तो 1.5-2 लाख-3 लाख रुपए में मिलती होगी, उससे नीचे तो कहाँ मिलती होगी। क्योंकि वो देख सकते हो कि क्या ऊपर से उछाल रहे हैं और क्या व्हीली मार रहे हैं विद द साइकिल एंड मजे आ गए उनको देख के कि हाँ जी ऐसा भी कोई स्पोर्ट्स है जो कि क्रिएट किया जा सकता है। बट इंस्टेड ऑफ इंडिया देयर माइट बी सम चेंजेस, वी हैव टू डू इट, लाइक वी हैव टू मेक सम क्रेज अबाउट दिस गेम, अबाउट दिस स्पोर्ट। अभी ये जो जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं तो एक्चुअली ये रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे, ये रेस्टोरेंट है। अभी तो टोटली बंद है क्योंकि अभी ठंडा का मौसम नहीं है ना, बट यहाँ पे अभी ठंड लग रहा है, मुझे जैकेट पहने हुए हैं। जब यहाँ पे जब बर्फ़ गिरती है ना तो ये पूरा छोटा मोटा रेस्टोरेंट जो कि बार वगैरह है यहाँ पे सब ओपन होता है। अभी तो बंद है, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है समझ लो। तो वहाँ पे उस टाइम जब बर्फ़ गिरता है तो यहाँ पे ऑलरेडी हर जगह आपको छोटा छोटा ऐसा रेस्टोरेंट दिखेगा और घर दिखेगा जहाँ पे वो लोग बार अपना ओपन चलाता है। तो यहाँ पे टेबल चेयर लगा हुआ रहता है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं अभी। मगर एक चीज़ और है कि अब तक आपको किसी यूट्यूबर ने या किसी भी मतलब कह सकते हो कोई भी यूट्यूबर अभी यहाँ का आपको यहाँ तक आपको नहीं मिला होगा, यहाँ का अभी तक आपको व्यू नहीं दिखाया यूट्यूबर ने, नहीं दिखाया होगा। तो अभी हम लोग आज जैसे प्लान किया चलो कि चलते हैं आज हाई हिल में, तो ऐसे अचानक प्लान बनाया यहाँ पे आने का। तो यहाँ पे जब आए तो सोचते हैं कि चलो यहाँ पे अब एक ब्लॉग भी बना लेते हैं जो अपने सब्सक्राइब को भी दिखाएंगे और थोड़ा इस चीज़ के बारे थोड़ा हम लोग और भी डिटेल्स बताएंगे यहाँ पे होता क्या है सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में। चलो टूरिस्ट एरिया पहले से है और टूरिस्ट एरिया है जो अभी भी आदमी आता है घूमने के लिए और देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, अच्छा लगता है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। ठीक है, अकेला आओ, दोस्त के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, मगर एक चीज़ है यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स आने के बाद यहाँ पे रिलैक्स फील होता है, यहाँ पे माइंड में कोई हेडेक टेंशन नहीं, यहाँ पे तो बैठो चिल्ड हो, यहाँ पे लग के ऐसा लगता है कि जैसे कि हम इंडिया में ही हैं, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हम अभी सेनेगन कंट्री और यूरोप में है कहीं, यहाँ सब कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे अभी तक फिलहाल हमें ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि हम अभी इंडिया में हों और लाइफ
हम अभी नैनीताल में बैठे हूँ। नैनीताल का याद आ गया आपको? हाँ, बट ये है कि इंडिया में ऐसे अल्कोहल ऐसे सर्व नहीं हो सकता जैसे यहाँ सर्व हो जाता है। तो जावेद, तुझे क्या लगता है कि यहाँ पे आके तुझे आज क्या मिला, कि तेरा 1 किलो वेट कम हुआ कि 4 किलो वेट बढ़ा? भाई यहाँ पे अगर वीकली हम लोग अगर आए ना, वीकली अगर वन टाइम भी आए तो डेफिनेटली यार वेट कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नीचे ऊपर चढ़ना नीचे उतरना बहुत ही मतलब ये है यार, इंडिया ऐसा नहीं है, बहुत गढ़ा है। तो यहाँ पे अगर नीचे कम से कम आप जाओगे ना तो ऊपर चलने में हालत खराब हो जाती है, नीचे उतरने में भी हालत खराब हो जाती है पहले बात। और इतना टफ है। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा आके मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, और मतलब अभी ऐसा फील हो रहा है कि बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ा अपना टाइम स्पेंड किए 2-3 घंटा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, घूम के फिर के देख के। बस डेफिनेटली मैं जब अच्छा मैं के टाइम आऊंगा। मेरा एक और सवाल है कि तू इंडिया में पहाड़ में कहाँ कहाँ तक चढ़ा है और कहाँ तक तूने अभी तक ट्रैवल किया है, तू यहाँ से कंपैरिजन कर रहा है तो वो मैं भी जानना चाहूंगा, तू अभी तक पहाड़ में कहाँ तक चढ़ा है जो कि तुझे यहाँ का टफ लग रहा है? टफ तो नहीं है एक्चुअली, इतना टफ नहीं बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं इंडिया में जैसे कि सिक्किम, दार्जिलिंग और राजस्थान ये सब जगह घूमा हूँ। मेरे कहने से मतलब ये है कि अभी तक तुम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश नहीं गए हो? नहीं, मैं वो साइड में नहीं गया हूँ यार, जो ट्रू है मैं वहाँ पे। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपका हो सके तो आपका हम आपको इनवाइट करेंगे कि गढ़वाल और उत्तराखंड और लाइक हिमाचल प्रदेश में आपको घुमाया जाए और वहाँ की ट्रैकिंग एक्चुअल में कराई जाए, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि वेट कम करना क्या होता है। डेफिनेटली यार, जब इनवाइट करोगे मैं आऊँगा जरूर, और होपफुली मैं जरूर आऊँगा। अब इंडिया जाके एक बार जब आप भी जाओगे मैं भी जाऊँगा, डेफिनेटली हम लोग एक बार ट्रिप करेंगे नैनीताल की और उत्तराखंड की, तो वहाँ का भी एक बार नज़ारा देखेंगे, वहाँ का भी हिल साइड देखेंगे, हिल एरिया देखेंगे कि वहाँ पर कितना मज़ा आता है ट्रैकिंग करने में। तो होपफुली जाएंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल। मुझे घूमना बहुत पसंद लगता है, अच्छा लगता है, तो मैं तो डेफिनेटली मैं जाने के लिए तैयार हूँ हर जगह। आप जहाँ भी बुलाओगे मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा जरूर, ठीक है। और जो भी है मुझे तो अच्छा लगा आज, इंजॉय बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज का जो मेरा यहाँ आने का हमारा जो प्लान था वो मेरे हिसाब से आज सक्सेसफुल हुआ। बट ये है कि हमारे को थोड़ा पूरा दिन देना पड़ गया, बट मेरा एक डिसीजन है कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी यहाँ आए तो अपना प्रॉपर टाइम एट लाइक हम मॉर्निंग से 9 से 10 बजे अपना स्टार्टअप करें, और जो यहाँ के कोने कोने हैं वो इसका लोगों तक चित्रण पहुँचाएं। अरे बिल्कुल यार, नेक्स्ट टाइम हम लोग जब आएंगे तो सुबह निकलने की कोशिश करेंगे, क्यों नहीं, और ट्राई करेंगे कि इस रूम से जल्दी निकलने का। आज तो थोड़ा लेट ही निकले क्योंकि थोड़ा सुबह काम भी था ना, तो वो अपना काम खत्म करने के बाद ही हम लोग आए। तो नेक्स्ट जो जर्नी रहेगी हम लोग की, नेक्स्ट जो ब्लॉग रहेगा और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सवेरे निकलेंगे और जल्दी निकलेंगे, ठीक है। आप यहाँ से आप दिखा सकते हो कि ये पूरा जागरीब यहाँ से दिखता है। नॉट ओनली जागरे, मेरे को लगता है कि यहाँ पे से दूसरी कंट्री भी शुरू होती हो तो हमारे को कोई ताजुब नहीं होगा, क्योंकि हमारे को इस हिसाब से अभी अभी फिलहाल अभी कुछ पता नहीं है, और किसी ब्लॉगर ने भी इस जगह का अभी तक कोई व्याख्या नहीं करी है। ये आप दिखा सकते हैं कि साइकिल का जो रेसिंग, एक्चुअली मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा कि ये एक साइकिलिंग का ट्रैक बनाया हुआ है, तो इसमें जो एडवेंचर बाइसाइकिलर हैं वो अपनी जो साइकिल है वो एक ट्रैक द्वारा अपना एडवेंचर कंप्लीट करते हैं। ये है साइकिल का। सो ये अब ये टावर लगता है सर टीवी का टावर है, और अगर आप देखें चाहें ये एक टावर है यहाँ पे टीवी जो यहाँ क्रोशी, हाँ जी, जो कि मैं ये कहूँगा कि ये नॉट ओनली टीवी टावर है, एक्चुअली हमें कुछ पता नहीं है इसके रिगार्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू द टावर एंड द एंटीना इट्स लुक लाइक ए रेडियो एंड टेलीविज़न। मनी स्पेंड किया है रिगार्डिंग दिस, तो अप्रिशिएट देयर लाइक टूरिज्म सेक्टर। एक्चुअली क्रोशिया एक्चुअली क्या है कि वो अपने टूरिज्म सेक्टर पे नंबर 1 पे, नंबर 1 नंबर 2 कुछ भी कह लो, मतलब इस तरह से
अबव चल रहा है। और बाकी आपको जो बताना चाहेगा तो जावेद आपको ज़्यादा बेटर बता पाएगा, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है फॉरेन इंडस्ट्रीज़ में वो करीब करीब मेरे से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं ये लॉगिन जावेद पे करते हुए, प्लीज़ आज का तो ट्रिप हम लोग का हो चुका, अब हम लोग बस के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बस आएगी तो फिर हम लोग अपना डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे, रूम पहुँचेंगे। और आज का वीडियो यहीं तक। राहुल भाई को ठंड लग गया है, जैकेट वगैरह पहन के बैठा हुआ है। तो देखें अभी क्या होता है। लास्ट अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे कहीं और का, किसी और जगह का। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ये मत भूलना लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में, ठीक है भाई। आप लोग का प्यार जितना आएगा उतना हम लोग वीडियो बनाने में हम लोग को मज़ा आएगा। जितना आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उतना हम लोग को इंटरेस्ट होगा कि हाँ भाई बंदा देख रहा है, लाइक कर रहा है। तो और भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, अपने दिल से बनाते हैं हम लोग कोई भी वीडियो। इतना मेहनत करना पड़ता है हम लोग को, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आप लोग को एक लाइक करने में कोई सेकंड नहीं लगता है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय। राहुल भाई बाय बोल दे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब तब तक बाय, थैंक यू।